हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपनी वीडियोस में, जैसा कि नए लोग जुड़ चुके हैं मुझसे, तो मैं अपने वीडियोस में डेली ब्लॉग दिखाती हूँ, डेली लाइफ अपनी दिखाती हूँ। और जैसा कि नए लोगों को मालूम नहीं है कि मेरी फैमिली में मेरे बेटे बहू हैं जो दोनों सर्विस करते हैं और सुबह ही निकल जाते हैं। बेटी है और बेटी दामा जी के जाने के बाद मेरे पास ही रहती थी 1.5 साल से, और अब उसके मेरे घर के पास ही घर बन गया है तो वो वहाँ रहने लगी। वो भी सुबह निकल जाती है तो दो इता दिन भर मेरे पास रहता है। और अभी उसकी छुट्टियाँ हैं तो उसके बाद वो स्कूल जाएगा सोमवार से, तो उसके आने के बाद भी वो मेरे पास रहता है, क्योंकि बेटी आती है 6 बजे या 7 बजे अपनी सर्विस करके, और बेटा बहू भी देर से ही आते हैं। तो दिन भर जो मेरा रूटीन रहता है वो आपको मैं दिखाती हूँ। खाना बहू बना के जाती है, लेकिन उसके बाद जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाती हूँ आपको, तो जिसमें मैं किचन टिप्स भी दिखाती हूँ, तो बचत के टिप्स भी दिखाती हूँ, किचन हैक्स भी बता देती हूँ, या जो भी काम मैं करती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग्स में यही काम रहते हैं दिन भर के। या तो मैं अपने किचन में कोई रेसिपी बनाती हूँ, तो रेसिपी बनाने के लिए मैं अपनी वीडियोज की रेसिपी बनाने के लिए कोई ना कोई रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे आती हूँ किचन में। और किचन में काम रहता ही है, हर लेडी का काम रहता है, क्योंकि बात का जो खाना पीना है, सबको खाना खिलाना है या बर्तन साफ करने, क्योंकि मेड मेरी जो मुझे पसंद आती थी है आई थी मतलब जो मेड, वो अपने ससुराल चली गई, तो मुझे ज़्यादातर मेड पसंद नहीं आती है। मैं अपने हाथ से सारे काम करती हूँ, और हाथ से काम करने में कोई बुराई नहीं है, जब तक अपना शरीर चले आप अपने हाथ से काम कीजिए। तो मैं अपना काम सारा अपने हाथ से करती हूँ। तो अपने ब्लॉग्स में मैं सफाई भी दिखाती हूँ, घर की सफाई भी दिखाती हूँ, तो सजावट भी दिखाती हूँ, तो खाना पीना जो बनाती हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो आज की जो ब्लॉग है उसमें मैं करेले की रेसिपी दिखाऊंगी आपको, कि कुरकुरे जो करेले हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई करेले खाता नहीं है, तो थोड़ा सा उसको चेंज करके मैंने बनाया। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब कोई चीज़ नहीं खाता है घर में तो उसको थोड़ा सा चेंज करके बना देती हूँ, तो सब खा लेते हैं। तो मेरा इंस्टा में भी मतलब आईडी है मेरी, जिसमें मैंने अभी शुरू की है, उसमें भी मैं रेसिपी डालती हूँ। और भी मेरे दो आईडी हैं जिसमें मैं कुछ पुराने गीत गाती हूँ, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टा में भी। और इसमें तो आप कर ही रहे हैं और बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं मुझे, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे ब्लॉग्स देखते हैं आप। तो आज के ब्लॉग में देखिए क्या होता है मेरा डेली जो रूटीन है मेरा। तो मैं बेटी के यहाँ सोती हूँ रात को, उसके साथ ही सोती हूँ, मेरा दोता और मेरी बेटी के साथ मैं वहाँ पर सोती हूँ, घर उसका बिल्कुल पास में ही है। और सुबह उठ के मैं आती हूँ तो मैं वहाँ से नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, फिर बहू खाना वाना बना लेती है, नाश्ता बना लेती है, उसके बाद वो चली जाती है, और उसके बाद जो किचन में और कुछ काम करना होता है तो मैं आती हूँ। तो अभी दोबारा चाय बनाऊंगी मैं, क्योंकि दोबारा चाय पीने के बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। और इस टाइम मैं इंस्टा के लिए रील भी बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम कोई नहीं रहता है तो थोड़ा सा अकेले में रील भी बन जाती है। तो बस पहले तो देखिएगा कि मैं सुबह आते ही मैंने पूजा की, और उसके बाद हमने चाय वाय पी, वो क्लिप मैंने नहीं ली। अब मैं थोड़ी सी सफाई करूंगी घर की और रील्स बनाऊंगी। तो पहले आप देखिए मैंने पूजा क्या कर ली थी आते ही।
तो अथक लगा रहा है ब्रेड में, जैम लगा रहा है, उसको भूख लगी है। कल कल अथक की छुट्टी है आज और कल, और फिर परसों स्कूल चला जाएगा तो मेरे बहुत सुना सुना हो जाएगा, क्योंकि अथक सभी मेरा बहुत मन लग रहा था। इसकी छुट्टियां थी तो मेरा मन अच्छा सा लग रहा था। एक दिन इसकी मम्मी ने छुट्टी ली तो ये वही रहा दिन भर, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा। ये होता है तभी मेरा मन लगता है। बोलेगा कुछ? क्या बोलूं? ऐसे तो दिन भर बोलता है। अथक ने ब्रेड जैम लगाई तो मैंने अपनी चाय बना ली। चाय पी के मैं अपना कोई काम करूंगी। अभी रील्स बना कर आई हूँ और वापस सूट पहनूंगी और फिर काम करूंगी अपना। हमने खाना खा लिया है और ठाकुर जी को भी सुला दिया है। मैंने दूध पिला के दूध रख दिया है फ्रिज में और अब करूंगी मैं बर्तन। तो बर्तन साफ करके मैं करूंगी रेस्ट। तो आज के ब्लॉग में आपको करेले की सब्जी कैसी लगी? घर में तो सबको अच्छी लगी। अथक ने भी खा ली, नहीं तो अथक कभी नहीं खाता है। छोटे बच्चे तो कभी करेले नहीं खाते हैं, लेकिन अथक को भी बहुत पसंद आई करेले की सब्जी। तो आप भी जरूर बना के देखिएगा कुरकुरे करेले। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।